अपने आप को आज की तारीख में मैं एक सीरियल की बहू महसूस करती हूँ। इतना गर्ज आदिल तुम्हें कैसे आता है, इतना चिटिंग का, इतना फरेब का? तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं लगता, डर नहीं लगता? गुनहगार इंसान होने के बावजूद, सारे सबूत होने के बावजूद छुड़ जाता है इंसान। वाह, अगर आई डोंट नो, अभी कोई मतलब आई डिडंट से यस राइट नाउ, लेट्स सी। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देख रहे हैं टेली बाइट्स, इसे देखते रहिए। टेली बाइट्स में आज हमारे साथ है राखी सावंत, जो काफी लोगों को प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें कभी प्यार नसीब ही नहीं हुआ। राखी सावंत, आपका जो सॉन्ग है, इससे कई लोग, कई सारे इमोशंस सामने आए हैं आपकी लाइफ में। आपने कई चीज़ों को फेस किया है, कैसे आप डील करते हैं उन चीज़ों से? थक गई हूँ अब मैं, डील करते करते थक गई हूँ जिंदगी से, हार गई हूँ, थक गई हूँ मैं, अब कुछ सोचता नहीं है मुझे। मेरा नया वीडियो आया है झूठा, जो मेरी रियल लाइफ पे ही बेस्ड है। और मतलब वैसे रियल लाइफ में तो आप कहते हैं ना कि एक साल का तो 4 मिनट के वीडियो में तो दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन मेन मेन पॉइंट जो थोड़े बहुत थे वो दिखाए गए हैं। लोगों को बहुत वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो दिखाइए लोगों को। और बहुत ही टची, बहुत इमोशनल वीडियो है ये जो सॉन्ग है। ये करते वक्त आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत फ्रेश हैं अभी? काफ़ी मेरे हाथ से जो अभी फ्रेश ही है, मेरी मॉम का एक्सपायर होना, फिर हस्बैंड ने मुझे डिच किया, चीट किया, वो सारी चीज़ें जो है फ्रेश ही सारा मैसेज है अभी, वो सब वीडियो में दिखाया गया है। एंड बहुत ही मुझे दिक्कत लगा वीडियो शूट करते टाइम, मैं सिर्फ रो रही थी, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, जी रही हूँ बस, एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ मैं बस। कोई खुशियाँ, कोई इच्छा है, कोई खुशियाँ, कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है अब इस जीवन में, कोई होप, कुछ भी नहीं। प्यार से, शादी से, हर चीज़ से भरोसा उड़ गया है मेरा, बस जीने के लिए जी रहे हैं। राखी, आप काफ़ी ज़्यादा अनलकी रही हैं प्यार में, क्या इसकी ये वजह है कि आप आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेती हैं? प्यार में, शादी में, घर बसाने में, सपने देखने में, बेबीज लाने में, इस दुनिया में अनलकी रही हूँ, नाकामयाब रही हूँ। भले मैं बॉलीवुड में कितने भी कामयाब रहूँ, तो रियल लाइफ में मैं हर चीज़ में नाकामयाब रही हूँ। बहुत धोखे पे धोखा, चिटिंग पे चिटिंग हुआ है मेरे साथ, राखी जीने को दिल ही नहीं करता। राखी आदिल ही नहीं, इससे पहले भी रितेश की बात की जाए, बिग बॉस में काफी सारी चीजें हुई थी उन चीजों की। मेरी शादी वो नहीं थी, क्या बोलते, वाजिब नहीं थी, क्योंकि जब बिग बॉस में गए थे तो पता उनकी वाइफ और उनका बच्चा आया था सबके सामने। तो उस वक्त मैंने उसे कहा कि भाई तुम तो चीटर हो, ऐसा बोल के आपने, जब आपकी बीवी बच्चा था तो आपने क्यों ऐसा मेरे साथ खिलवाड़ किया। बट मैं यहाँ पे रितेश को कहीं नहीं लाना चाह रही हूँ। सॉन्ग की बात की जाए तो ये पूरा सॉन्ग ही आपकी लाइफ पर बेस्ड है, तो फिलहाल इस वक्त हमने देखा कि आप लास्ट में क्राउन पहनकर बैठ गई हैं और आपने उन्हें जेल भिजवा दिया है, लेकिन करंट रियल लाइफ की बात की जाए तो क्या स्टेटस है उनका? वही क्राउन के दुनिया में जहाँ जहाँ आदिल गया है, हर लड़की को बर्बाद किया है, 65-75 ईयर ओल्ड वुमन को भी उसने नहीं छोड़ा है। मिसेस शेट्टी करके एक है, जो मैं उनका नहीं, उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगी, वो रो रही थी मुझे फ़ोन करके, उन्होंने सारे मैसेजेस सब कुछ दिया कि इसने तो मुझे जूस में मिला के कुछ पिला दिया। वो कहती कि आज मेरे बच्चे सब नहीं होते तो मैं मीडिया के सामने आ जाती, बट राखी तुम्हें मेरा मैसेज पहुँचा देना कि उसने बहुत बुरा किया है उसके साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ, जो लड़कियां भी शादी करके बस गई है, कुछ लोगों ने तो इनसे इंगेजमेंट भी तोड़ दी है, शादीशुदा होते भी इनमें हिम्मत कैसे आई कि इंगेजमेंट करके रखी है, मेरे साथ शादी करके भी इतनी हिम्मत कैसे आती है कि और लड़की के साथ भी आप जुड़े हैं? इतना गर्ज आदिल तुम्हें कैसे आता है, इतना चिटिंग का, इतना फरेब का?
तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं लगता, डर नहीं लगता? और दिल, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुमने मेरे साथ चीटिंग किया? मैंने सच्चे मन से निकाह किया, सच्चे दिल से प्यार किया, एक लॉयल वाइफ रही, तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखा नहीं, तुम्हारे तुम्हारे लिए मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने ग्लैमरस, शादी के बाद सलवार सूट में आ गई, तुम्हारे लिए मैंने सलाम कबूल किया, तुम्हारे लिए मैं नमाज पढ़ी, तुम्हारे लिए तुम्हें 1,60,00,000 दिए, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया, तुम्हारे लिए मैंने घर का काम किया, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुम्हारे लिए आदिल मैंने तुम्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें स्टार बनाने वाली थी, फिल्में बनाने वाली थी, तुम्हारे लिए मैंने प्रोडक्शन हाउस खोल दिए। कहाँ कमी रह गई आदिल मेरे प्यार में? जो फिल्मों में होता है एक हीरोइन के साथ, सीरियलों में होता है, रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि सीरियल की हीरोइन को जो बहू होती है उसको कभी सुख नहीं मिलता और उसकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ। अपने आप को आज की तारीख में मैं एक सीरियल की बहू महसूस करती हूँ। लेकिन राखी, आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, सेल्फ मेड वुमेन है, आपने कैसे इतनी चीज़ें सही? क्यों, अगर सेल्फ मेड मैं हूँ हूँ वो तो हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता? मैं, मेरा भी तो दिल है, मेरे से मैंने भी प्यार किया, मेरे साथ भी धोखा हुआ, तो नॉर्मल लड़कियों के साथ क्या होता होगा? बाप रे। बट जैसे कि हमने काफी वीडियोस देखे, आपके चेहरे पर निशान देखे डोमेस्टिक वायलेंस की, बहुत शरीर पे, गुप्त अंग पे, बॉडीज पे, ऐसी ऐसी जगहों पे निशान है, काले धब्बे हैं, मार के मेरे बैक में, मेरे ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे कोपर हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ है। आप सर्टिफिकेट देखिए, उसमें पॉजिटिव आया, लेकिन कोर्ट ने फिर भी आदिल को छोड़ क्यों दिया? ऐसा आदिल तुमने क्या किया? जज ने आपको छोड़ दिया, पुलिस ने आपको छोड़ दिया, मेरे फैंस नहीं छोड़ेंगे आपको, मेरी माँ की आत्मा नहीं छोड़ेगी, खुदा नहीं छोड़ेगा आपको। आप कानून से बच जाइए, पुलिसों से बच जाइए, सब छोड़ देंगे आपको, पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, आपका मैजिक। उसके वहाँ न्याय, क्योंकि मैं रोज रोती हूँ नमाज पढ़ते वक्त, मैं रोज रोती हूँ बाइबल पढ़ते वक्त, जीसस के पास, अल्लाह के पास, खुदा के पास। इसने बहुत बुरा किया, खुदा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शायद अब मैं उठ ना पाऊँ दोबारा। काम तो कर लूंगी मैं, पर्सनल लाइफ में दोबारा प्यार, शादी, बच्चे न कर पाऊँ। आई होप मेरे फैंस को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, हर वक्त बी स्ट्रॉन्ग राखी, बी स्ट्रॉन्ग, भूल जाओ भूल जाओ। वो एक साल कैसे भूलूँ? मेरी माँ, दम तोड़ के मेरी माँ मरी है, कैसे भूलूँ? मेरी माँ का सही टाइम पे इलाज अगर इसने कर लिया होता, आज मेरी माँ जिंदा होती। देखिए, अमर पाटा तो कोई लेकर नहीं आया, ना मैं, ना आप, ना कोई, लेकिन मेरी माँ का सही टाइम पे आदिल ने इलाज कर दिया होता, जो पैसे मेरे थे मैंने उसे दिए थे इलाज के लिए, मेरे अकाउंट से, मैंने जॉइंट अकाउंट में डालने बोला था, लेकिन उन्होंने वो सारे पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में डाले। कितना बड़ा चीटिंग! पर्सनल अकाउंट में खुद प्रोपराइटर का अकेले उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, या फिर मेरी जगह पे झूठा गुमस्ता निकाल के, ये भी केस बनते, कितने केस बनते हैं। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पे वो छुट जाएंगे। क्यों? आप भी समझदार हैं, क्यों छुट जाएंगे? आप सब जानते हैं, गुनहगार इंसान होने के बावजूद, सारे सबूत होने के बावजूद छुट जाता है इंसान। वाह, क्या बात है! आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। राखी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप लॉकअप में नजर आने वाली है कंगना रनौत के शो में, क्या सच में ये बात सही है? माय गॉड, अगर मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ कंगना, एक तरफ राखी सावंत रहेगी, तो लॉकअप का क्या होगा, आप सोच सकते हो। वैसे ऑफर आ रहे हैं, बट आई डोंट नो आई विल डू और नॉट, वो वक्त बताएगा। यस मैम, मुझे नहीं पता है मैम। ऐसी भी खबरें हैं कि शर्लिन चोपड़ा भी आने वाली है, तो अगर आप दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या तहलका मचाने? शर्लिन तो आने वाली है, और आ जाएगी तो अच्छा है। शर्लिन तो सबकी बैंड बजाती है, एंड शी इज स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एंड मैं और शर्लिन, हमारी जोड़ी तो बहुत अच्छी है। गए तो अभी देखेंगे क्या होगा। अगर आई डोंट नो, अभी कोई मतलब, आई डिडंट से यस राइट नाउ, लेट्स सी। वेल, वी होप, हम आपको देखना चाहते हैं।
चाहे मैं बिग बॉस में जाऊँ, चाहे कोई भी रियलिटी शो में जाऊँ, आई गिव माई 100%। मैम अभी फिलहाल तो सॉन्ग आया, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपने जिस तरीके से पूरे अपने इमोशंस को बाहर निकाला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन आगे हम क्या प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरे बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, फिल्म्स आ रही है, और मैं एक्चुअली 2-3 महीने से कोई काम नहीं करूँ, बिकॉज मेरी माँ शी वॉज नॉट वेल, और मेरे पर्सनल लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में रही है, तो मैं कोई काम ही नहीं किया, ना काम ढूंढने गई हूँ ना काम लिया है मैंने। लेकिन अब मैं काम कर रही हूँ, काम करना चाहती हूँ। मेरा बॉलीवुड तो मेरी कर्मभूमि ऐसी है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे कबूल कर लेते हैं, तो मैं बॉलीवुड को कबूले 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 करती हूँ। मेरा बॉलीवुड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत सी वेब सीरीज आप देख रहे हैं, बहुत सारे हाँ ऑफर्स हो रही हैं। मैम, आपने एक मिसाल कायम किया, आप जिस तरीके से अपने सिचुएशन को डील किया है, बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को डील किया है, कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत ही स्ट्रांगली डील किया, लेकिन अब मैं टूट गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा टूट गई हूँ। लेकिन लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कोशिश करो अपनी पर्सनल लाइफ में बर्दाश्त करने की, ज़्यादा बर्दाश्त ना हो तो अपने खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए जियो जैसे मैं जी रही हूँ। थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू सो थैंक यू सो मच। मच। आई और हाँ, हाँ झूठा मेरा वीडियो है ये जो हाँ मेरे रियल लाइफ पे है, इसे ज़रूर देखिए, रील्स बनाए। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।